गुलाबी आंखें जो तेरे देखी, शराबी दिल हो गया। संभलना मुझको हो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ में। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में हमको दिया है, एक ट्राइंगल दिया है, ए बी सी दिया है, और पी क्यू पैरेलल बी सी हमको दिया है, और हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है। और कैसे निकालेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम लिख देते हैं पहले क्या क्या हमको दिया है, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। चलो, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी और सी। तो ए बी और सी हमको दिया हुआ है, और पी क्यू पैरेलल बी सी हमको दिया है। पी क्यू पैरेलल बी सी हमको दिया हुआ है। तो ऐसे क्या होगा, अब चमत्कार हो जाएगा किस तरह से। अगर ये वाली साइड इसको पैरेलल रहती है तो क्या होता है, ये वाला टुकड़ा अपॉन ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा अपॉन ए वाला टुकड़े का रेशियो सेम रहता है। कैसे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहां पे लिख देते हैं हम, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कैसे होगा, यहां पे ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के ऊपर का टुकड़ा और ये नीचे का टुकड़ा, इसका रेशियो लेते हैं हम। तो एपी अपॉन पीबी इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यू सी, इस तरह से हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, x-7, 8x-7 अपॉन 5x-3, 5x-3 इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं, इक्वल टू ए क्यू है 4x-3 अपॉन 3x-1, 3x-1, इस तरह से होगा। अब क्या कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका क्रॉस इससे कर लीजिए और इसका क्रॉस इसके साथ कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसका, इस तरह से हो जाएगा। देखो, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 8x-7 इंटू 3x-1, इस तरह से होगा, इक्वल टू, और ये वाला इसके साथ होगा, कितना आएगा, 5x-3। तो 5x-3 इंटू 4x-3, 4x-3, इस तरह से हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। इसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म, ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। ठीक उसी तरह से यहां पे भी ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। ये फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म से हम क्या करेंगे, इस सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म से हम पूरे ब्रैकेट को, इस सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा देख लीजिए, यहां पे मैं इसका सॉल्व कर लेता हूं। तो 8x इंटू 3x कितना होगा, 8 इंटू 3 कितना होता है, 24, 24 हो गया, और x इंटू 1 दैट इज द x² कितना हो जाएगा। उसके बाद यहां पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब क्या होगा, यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 8x से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, 8x इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 8x, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लिकेशन होगी। अब हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब साइन को चेंज करना। -7 इंटू 3x, -7 इंटू 3x कितना होगा, माइनस ही होगा, और 7 इंटू 3x मतलब कितना, 24
वन एक्स, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये बन जाएगा प्लस सेवन इंटू वन, दैट इज द सेवन। तो इतना हो गया हमारा ये वाला इक्वल टू। अब ठीक उसी तरह से उसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो 5x से हम पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सबसे पहले हम 4x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x इंटू 4x कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20x स्क्वेयर, इस तरह से हो जाएगा। चल हो गया। इसके बाद अभी माइनस साइन है, तो माइनस साइन वैसा लिख दीजिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, ये 5x इंटू 3, 5x इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस लिख दिया मैंने, और ये बन जाएगा 15x, इस तरह से हो जाएगा, वो भी हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कौन सा बचा हमारे पास, माइनस 3। तो माइनस 3 पे हाथ रख दीजिए, इसको हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ से लेकर इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी। तो माइनस 3 इंटू 4x ये क्या बन जाएगा, माइनस ट्वाइस एक्स, इस तरह से हो जाएगा। और ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो 3 इंटू 3 दैट इज द 9, इस तरह से हो जाएगा। हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे। तो ये सिंपल वैसा ही रहने दीजिए, तो 24 एक्स स्क्वेयर ये क्या बन जाएगा, हमारा लाइक टर्म है ये हमारी, तो यहाँ पे भी माइनस 8x है, यहाँ पे भी माइनस 21 एक्स है, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 29 बन जाएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर, तो ये माइनस साइन 21 बिगर है, इसका साइन आएगा माइनस 29 एक्स प्लस 7, इस तरह से हो जाएगा इक्वल टू। इसको भी वैसा रहने दीजिए क्योंकि ये सिंगल टर्म है, तो 20 एक्स स्क्वेयर, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको यहाँ पे देख लीजिए, माइनस 15 एक्स है, यहाँ पे माइनस 12 एक्स है, तो कितना बन जाएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर, मतलब ये 15 प्लस 12 कितना होता है, 27 एक्स प्लस 9, इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे टर्म्स को, इसको इसको और इसको, इस साइड पर लेके आ जाते हैं। ऐसा क्यों, वो बाद में समझ में आएगा हमको, पर सबसे लेके आते हैं। तो चलो ये वैसा का वैसा लिख देते हैं, तो 24 एक्स स्क्वेयर माइनस 29 एक्स प्लस 7, इसको लेके आ जाइए इधर, ये कौन सा प्लस है, तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस 20 एक्स स्क्वेयर, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस 27 एक्स, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, लाइक लाइक टर्म को हम सॉल्व करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 24 एक्स है, यहाँ पे कितना है, 20 एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे 24, यहाँ पे 20, इसका सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे बचेगा 4, तो 4 एक्स स्क्वेयर बचेगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 4 एक्स स्क्वेयर, साइन ऑफ बिगर नंबर, मतलब 24 बिगर नंबर से। अब क्या करेंगे, माइनस 29 एक्स और प्लस 27 एक्स, यहाँ से बड़ा नंबर कौन सा है, 29 है, इसका साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस लिख देता हूँ मैं, तो 29 और 27 कितना बचा यहाँ पे, 2, तो 2 एक्स, इतना हो गया। अब बचा हमारे पास कौन सा, ये नंबर बचा, ये वाला, यहाँ पे प्लस 7 है, यहाँ पे माइनस 9 है, साइन ऑफ बिगर नंबर, मतलब माइनस आएगा, माइनस, और 9 में से 2 चले गए, कितने बचे यहाँ पे, 2 बचे, सॉरी 9 में से 7 चले गए, कितने, 2 बचे, तो इक्वल टू 0, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, हम 2 से उनको डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग बाय 2, 2 से मैं इस पूरे टर्म्स को डिवाइड कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ट्वाइस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। गुलाबी आँखें जो तेरी देखें, यहाँ पे बचा
ट्वाइस एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको हम सॉल्व करें, आप चाहे इसी प्रॉब्लम को, आपके पास तीन मेथड्स है, एक है फार्मूला मेथड्स, दूसरा है कॉम्पलेटिंग स्क्वायर मेथड्स और तीसरा है फैक्टराइजेशन मेथड्स। आप कोई भी मेथड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करूँगा। तो क्या होगा फैक्टराइजेशन मेथड, ये नंबर्स और ये नंबर का क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, मतलब कैप मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो टू इंटू माइनस वन कितना होगा, यहाँ पे माइनस टू होगा, इसके हम दो फैक्टर करेंगे जिसका मल्टीफिकेशन माइनस टू आना चाहिए और उसके एडिशन इतनी आनी चाहिए, इतनी मतलब माइनस वन आनी चाहिए। कितना होगा यहाँ पे, तो टू वन जा टू, ये बिगर नंबर है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स रहेगा, मतलब ये फैक्टर हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया और ये हमारा सेकेंड फैक्टर हो गया। तो ये दो फैक्टर है यहाँ पे हम लिखेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। चलो तो ये कितने होगा, यहाँ पे ट्वाइस एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वन एक्स, इसके जगह पर मैंने लिख दिया ये वाले दो नंबर्स, माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको हम इसके ग्रुप बना देते हैं और वहाँ से कॉमन निकाल लेते, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ से बचेगा टू, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, मतलब दो एक्स कॉमन निकलेंगे। तो दो एक्स हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे दो चले गए, एक्स भी चला गया, ओनली एक्स बचा, माइनस यहाँ पे दो थे, दो भी निकाल लिए, एक्स भी निकाल लिया, कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब वन बचा, तो वन यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन पहले से लिख दीजिए, यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं, मतलब एक ही कॉमन है, तो ये यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इस तरह से होगा। अब देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डब्बा कॉमन है, डब्बे को कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स माइनस वन, डब्बा हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, ये नंबर्स और ये नंबर बचा, इसे एक सेकंड ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ पे बचेगा ट्वाइस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस तरह से होगा, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब तो बहुत ही आसान है, इस ये ब्रैकेट इक्वल टू जीरो और ये ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक उसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, चुप इसको मैं हटा देता हूँ, अभी हमारे काम का नहीं है ये। ला 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 हु 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 ला ला ला। चलो यहां से हम सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट इनटू ये ब्रैकेट इक्वल टू जीरो है, तो ये ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, कौन सा ब्रैकेट, ये वाला, यहां पे आएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, ट्वाइस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस तरह से होगा। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, यहाँ पे माइनस वन है, इस साइड पर लेके जाने क्या पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू, या क्या हो जाएगा, माइनस वन है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव वन, तो एक सॉल्यूशन हो गया हमारा। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, तो ट्वाइस एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस वन आएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, तो ये हमारा हो गया सेकंड। अब सवाल आता है कि ये वाला आंसर है या ए वाला आंसर है, आता आ लेकिन है प्रॉब्लम्स। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करने का, बस देखना, क्योंकि साइड ट्रायंगल की कोई भी साइड या कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं रहती, ये तो हमको समझ में आता है, मतलब डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ही है, एक्स की वैल्यू मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, मतलब ये हमारे लिए कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, कि डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमारा आंसर है पॉजिटिव ये वाला, तो ये हमारा आंसर होगा, तो एक्स इक्वल टू वन, ये हमारा आंसर हो गया। यहां तक हम सॉल्व कर चुके, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और एपी निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी निकाल पाएंगे और ये भी निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम्स जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता था, वो आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्रॉब्लम आप जरूर सॉल्व करके देखिए, उसे इसी प्रॉब्लम को कम से कम दो या तीन बार सॉल्व करके देख लीजिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ऐसे प्रॉब्लम आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे।
तब तक दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।